हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जो देख सकते हैं फाइनली क्या हुआ कि पूरा आज जो भी वीडियो नहीं आ रहा था भाई, इसी कारण से देख सकते हैं गांव में जो मेरा सड़क का काम था वो चालू पूरा हो चुका है। आधा से मतलब 50% से भी ज़्यादा काम हो चुका है। यहाँ पर जो मेरा गड्ढा था ये भी कम्प्लीट हो गया, तो गाइस जिसके कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज दोस्तों फिलहाल जा रहे हैं रांची, मतलब काम चल ही रहा है तो सारा चीज़ मैनेज हो गया है। और दोस्तों देख सकते हैं रोड किस तरह से पूरा क्लियर भाई, एकदम लग रहा है क्लीन, वाइट वाइट, मतलब नया PCC ढलाई हो गया। तो अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमको थोड़ा सा जाना है रांची एक एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो चलिए, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रांची में क्या क्या सीन है सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे, तो ब्लॉग पर मेरे साथ बने रहो। सो गाइस फाइनली देख सकते हैं अभी तेतुलमारी पेट्रोल पंप के पास है। एक्चुअली है कि वो लोग धनबाद से आ रहा है और यहाँ पर मेरा एक चाचा है शक्ति चौक के आगे में, तो यहाँ पर बाइक को रख देंगे। तो सबसे पहले क्या है कि रात में मेरा आते थे हो सकता है लेट हो जाएगा, तो इसके लिए यहीं पर पेट्रोल डाल रहे हैं गाड़ी में। यहाँ से डालने के बाद जाएंगे चाचा का वहाँ रूम पर रखेंगे 210 क्या। तो चलिए पेट्रोल डालने के बाद आप लोग से मिलते हैं डायरेक्ट गाड़ी वाड़ी रखने के बाद। सो गाइस फाइनली क्या किया कि बाइक को मोटरसाइकिल को अपना वहाँ पर रख दिया, बट क्या कि चाचा ने उनको दो बार कॉल किए तो मोटरसाइकिल उनके दरवाजे पर वहीं पर खड़ा कर दिए हैं और हेलमेट बगल वाले घर में दे दिए। और ये सामने में शक्ति चौक है, तो वो लोग आएगा उधर से असरफी साइड से, तो यहाँ से क्या होगा डायरेक्ट हम लोग निकल जाएंगे। और जो जिनके साथ जा रहे हो खुद ड्राइव करने मतलब आती है उनको, मतलब वो पहले मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट अभी चलाने अच्छा खासा सीख गए। बट क्या होगी 3-4 घंटा का फिर एग्ज़ाम देना मतलब दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमको साथ में लेके जा रहा है। तो ये देखो फाइनली शक्ति चौक आ गए हैं, तो यहीं से अभी हमको रिसीव करेंगे, मतलब साथ में ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, ब्लॉग पर हमारे साथ बने रहो। सो गाइस फाइनली ये है शक्ति चौक, और यहाँ से देख सकते हो भाई हम लोग को चंद्रपुरा होते हुए जाएंगे। ये रूट से जाने का कारण है कि अगर धनबाद तरफ से जाएंगे तो 2 टोल टैक्स मिलेगा, और एक रास्ता है जो कि रांची जाने के लिए, तो उधर क्या होगा 2 टोल टैक्स छूट जाएगा। तो यहाँ से गोला 88 किलोमीटर है फिलहाल। वो देखिए वेगनार से आ रही है, वाइट में है कलर का वेगनार, उसी में ये देखो सामने वाला। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट, हमारे साथ ब्लॉक पर बने रहो। तो गाइस फाइनली अभी देख सकते हैं जैना मोड़ के पास रुके हुए। एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा सा नींद लग रहा था तो चाय हुए यहाँ पर फिर, क्योंकि रात को ड्यूटी भी किए थे जिसके कारण से, और यहाँ पर बिस्किट भी थोड़ा सा नाश्ता सब कुछ खाए हुए नहीं थे, तो चाय हुए यहाँ से पियेंगे। अब डायरेक्ट जाना है हम लोग को टुपू दाना, तो इधर से आए तो हम लोग को 2 टोल टैक्स छूट गया है, मतलब बोल सकते हैं कि उधर एक बालेडी और तेलमोचो वाला टोल टैक्स नहीं मिलता इधर से, जिसके कारण से रांची हम इधर से ही अब आना जाना करते हैं। तो चले चाय हुए पीते फिर आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस फाइनली देख सकते हो पहुंच चुके हैं टुपू दाना, और यहाँ पर देख सकते हो प्रिंसेस मोटर के बगल में इनका सेंटर था। तो क्या हुआ कि भाई सुबह 6 बजे निकले, अभी तक कुछ नाश्ता वास्ता नहीं किया, तो क्या करेंगे यहाँ पर खाना वाना खाते हैं। और देख सकते हो भाई जो लोग का एग्ज़ाम है वो मुझे मालूम नहीं एग्ज़ाम कुछ का, बट एग्ज़ाम में बढ़ते इधर कितना सारा स्टूडेंट है ये देखो। तो चलिए सो गाइस वो होटल से दूसरा होटल आ गया, यहाँ पर देख सकते हो गर्मा गर्म चावल और चिकन खाएंगे, क्योंकि इस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, बट सब जगह में मतलब अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। एक्चुअली क्या कि जिनको खाना है स्पेशल मुर्गा का प्रचार किया हुआ था, देख सकते हो। चलिए खाते फिर आप लोग से मिलते हैं, ब्लॉग पर मेरे साथ बने रहो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस फाइनली क्या हुआ कि वहाँ से आने के बाद हम लोग आ चुके हैं, मतलब एग्जाम के सारा चीज़ खत्म होने के बाद आ चुके हैं हम लोग, देख सकते हैं इस जगह में जहाँ पर इन लोग का ज़मीन है। तो दोनों मतलब काम हो जा रहा है, इधर से जाते समय हम लोग और मांझे निकल जाएंगे। तो ये चौबे खटंगा बोल के जगह का नाम है, बिल्कुल भाई विलेज वाला सीन है यहाँ पर। तो इन लोग बहुत पुराना ज़मीन शायद लिए हुए थे, तो वो लोग वहाँ पर देख सकते हैं डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस अभी क्या हो रहा है कि सुबह ही निकले हैं 6 बजे, और अभी भाई अभी बजने वाला आपको टाइमिंग दिखा दे रहा है 5 बजने वाला, ये देखो गाइस 5 बजने वाला, पता नहीं 7-8 बजे तक पहुँचेंगे। और प्लस हमको जाने के बाद क्या करना है कि भाई आज जो ढलाई वाला हो रहा, तो रोड का काम जो हो रहा था आप लोगों को पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो कुछ कुछ मैटर था जो गांव वाला का मतलब नहीं होने दे रहा था, कि किसी किसी का ऊंचा होने पर क्या हुआ कि पानी उसका घर में चला जाएगा, तो वो मैटर होता पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। तो सारा चीज़ आप लोग अपडेट दिखाएंगे, फिलहाल तो अभी भाई रांची से बाहर निकले ही नहीं है अभी, और मांझी हम लोग को इधर से शॉर्टकट से निकलना, तो बाहर का लोकेशन देख सकते हो भाई किस तरह का इधर, ये दो गई इस जगह में जमीन लोग देख रहा, मैं भी आ गया। तो चलिए ब्लॉग पर मेरे साथ बने रहो, कितना रात होता क्या होता सारी चीज़ आप लोगों को बताएंगे, तो कंटिन्यू बने। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं अभी आ चुके हैं जैना मोड़ से थोड़ा सा आगे में मिश्रा टोला है, तो यहाँ पर जिनके साथ है वो लोग बोला कि यहाँ पर रैया गुब हो रहा है, तो प्रसादी का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो जा रहे हैं थोड़ा सा प्रसादी सही लेंगे फिर चलेंगे। दोस्तों हमको लग रहा है कि 8-8:30 हम लोग का बच जाएगा, तो ये कुछ भी हो देख सकते हैं। तो चलिए प्रसादी यहाँ से लेते हैं, थोड़ा सा प्रणाम वनाम करेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर जाकर रात में ड्यूटी भी करना।
तो चलिए गाइस ब्लॉग पर बने रहो, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया भाई और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा। ये देखिए सजावट तो बहुत हैवी किया है, सम्राट वस्त्रालय दस कुंडिया रुद्र महायज्ञ, एकादश कुंडिया रुद्र महायज्ञ का तो ये का है, कुछ बड़ा सा एलसीडी लगाया गया। तो चलिए चलते हैं, प्रसादी ये देखिए, प्रसादी मेरा प्रसादी। और ये देखिए कुछ कलश यात्रा निकाला गया तो उसका कुछ व्यू है गाइस, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लग रहा था। ये देखिए तो इधर से जो है भाई कमेंट्स करना कि भाई इस भीड़ में आप लोग थे क्या कलश यात्रा में। जैना मोड़ साइड से इधर जो निकलता है आपका भंडारी जी, उसमें जो वहीं पर मिश्रा टोला का ये था, तो ये कौन सा मंदिर है आप लोग को दिखा रहे हैं, चलिए आगे। हाँ दुर्गा मंदिर है यहाँ पर और यज्ञ यहीं पर हुआ था, यज्ञ हवन कुंड। तो चलिए यहाँ से प्रसाद से लेते हैं, आप डायरेक्ट घर में मिलते हैं। तो भाई फाइनल ये जगह में हवन कुंड बनाया गया था और आज शायद लास्ट है कि वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि भाई भंडारा वंडरा होता है तो लास्ट यही भी नहीं होता है। इधर मेला देख सकते हो भाई, मेला भी लगाया गया, झूला वाला वाला बहुत तो भाई इंजॉय कर रहा है, नाव वन देख सकते हैं। तो चलिए उधर दिखाते आप लोग को, थोड़ा सा उसके बाद प्रसादी लेंगे फिर निकलेंगे घर की ओर। तो भाई देख सकते हो भाई, ओए यहाँ प्रसादी लेने के लिए देखो तो पुरुष और महिला का भीड़ अलग अलग किया हुआ है, तो इधर से महिला जा रहा है इधर से पुरुष का। चलिए प्रसादी लेते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। ये देखिए गाइस तो यहाँ पर लिखा गया आई लव जैना मोड़, जैसे पढ़ने में दिखा था हमसे इंडिया लिखा हुआ है ऐसा नहीं, जैना मोड़ का ही व्यूअर। तो सभी को यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं और लेट भी हो चुका, देखिए अंकल भी आ गए। तो चलिए चलते हैं आगे अब। दी नेक्स्ट डे तो गाइस फाइनली देख सकते हो अभी रात के बजने वाला है 12 और पूरा अपना व्यवस्था ले रहे, देख सकते हो भाई रोड का काम चल रहा था, भाई अपना कार यहीं पर खड़ा कर देते ताकि कोई लोग मतलब नहीं इसमें चढ़ाए और रोड ख़राब ना हो। और दोस्तों मतलब सुबह से जो निकले हैं अभी देखा रहे थे आप लोग को टाइम कितना ज़्यादा हो रहा है, अभी देखो गाइस 23:45 यानी कि 12:15 हो रहा है। और गाइस कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है देख सकते हो भाई, सामाजिक काम से लेकर अपना यूट्यूब चैनल के बारे में भी नहीं सोचते हैं आप लोग, बोलते हैं भाई वीडियो नहीं आता व्यू नहीं आता, भाई मेरा मेहनत को आप लोग देखो किस तरह से मेहनत करता है। अभी फिलहाल जा रहे हैं आगे में बालू जो कि आ गया है, बालू ट्रैक्टर उन लोग को भी गिरवाना है पूरा भाई गांव का, ये रोड का पूरा जिम्मेवारी हम ले चुके थे कब ये रोड बने। देखिए आज जितना लोग भी आया था यहाँ पर उन लोग को फिर पार्टी उटी दी, तो देखिए पूरा पानी उनी सारा चीज़ दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं, गाड़ी इधर लगा दिया ताकि एक भी आदमी कोई एंट्री ना कर सके इधर से, और उधर अभी बालू गिरवाने वाले हैं रात को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं एक ट्रैक्टर माल यहाँ पर हम लोग गिरा रहे हैं, तो टोटल मतलब 4 गाड़ी आ गया। तो अभी देख सकते हैं भाई ये लोग का लाइनअप करके गिट्टी छड़ी सब गिरा हुआ, कल भी बालू यहाँ पर गिरा हुआ था और उधर एक गाड़ी इधर एक गाड़ी। चलिए इसको गिराते हैं फटाफट, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं क्योंकि 4 गाड़ी फटाफट गिरवाना है भाई। भाई ये लोग बहुत दूर से माल लाता है भाई, रात में ही लोग चलता है रात में। चलिए देखते हैं। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और भाई अभी आपको मैं टाइमिंग दिखा रहा हूँ कितना टाइमिंग हो गया। तो ये पहले टाइमिंग देख लो अपना 0:48 यानी कि 1 बजने वाला है, और गाड़ी में सारा सामान में रखा हुआ था क्योंकि अगल में ही वहाँ बगल में ही उधर सोना है। तो चलिए अब सभी कोई मतलब हम लोग सोते हैं और सुबह फिर बालू आएगा तो फिर बालू गिरवाना है। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई गाँव का रोड के लिए भाई इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है। तो चलिए सभी को बाय बाय।